करेले को जब आप इस तरीके से बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए करेले, हमने आधा किलो के करीब करेले लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसकी दोनों साइड काट देंगे और इसे हल्के हाथों से हम छील कर तैयार करेंगे। देखिए, बस मोटा मोटा छिलका ही छीलना है, ये ज़्यादा कड़वा होता है। देखिए, बहुत हल्के हाथों से इसे हमने छीला है। अब काटना कैसे है, पहले इसके हम दो भाग कर लेंगे। देखिए, दो भाग करके एक भाग और कर रही हूँ इसी ढंग से, और इसके बीज को हम अभी निकाल लेंगे। पैकिंग है नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। हमने बीज को निकाल लिया है, अब डाल देते हैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही नमक डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 15-20 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। 15-20 मिनट हो गए, अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये जो सारा पानी है ये कड़वा पानी है, इसको हमने हटाना है और हल्के हाथों से करेलों को निचोड़ लेना है। अब हमने एक कढ़ाई में ना सरसों का तेल तेज गर्म कर लिया है, गैस को थोड़ा सा कम कर इसको हम सारे करेलों को डाल देते हैं। देखिए, अब हमने गैस को तेज कर दिया है और अलटते पलटते हुए इसको हमने फ्राई करना है, अच्छा सा कलर हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है, तो इससे ना करेले सॉफ्ट भी हो गए हैं। अभी इसका ऑयल झाड़ कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, इसी ऑयल में डालेंगे 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 प्याज जिसको हमने बारीक काट कर लिया है, थोड़ा सा भून लें, थोड़ी अभी जो प्याज है सॉफ्ट हुई है, इसके साथ ही हम बीज भी डाल देंगे जो हमने निकाल रखे हैं, इसको भी भूनना है। 3-4 मिनट भूने, डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा चला देंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालें, थोड़ा सा करेलों में हमने डाल रखा है, हमने करेलों को धोया नहीं है और उसमें नमक का अभी है, तो अभी मैंने 1/2 टीस्पून और डाल दिया है। आपने स्वाद अनुसार डालना है और करेलों को ध्यान में रख के डालना है। देखो, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और ये तीखी वाली है। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, इसे भी हमने थोड़ा मिक्स करना है। इसके साथ ही मैं 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ जो कम तीखी वाली है, इसको मैंने छोटा छोटा काट के डाला है, मिक्स कर दें। देखिए, थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ जिससे कि मसाले गले बिना अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 प्याज को ना मैंने काटने के बाद इस ढंग से मोटे मोटे ढंग से काट भी लिया है और खोल भी लिया है। करेलों में हम जितना प्याज डालते हैं ना उतना टेस्टी लगता है, उसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा मिक्स करना है। अब साथ में करेले डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हमने पकाना है, जो थोड़ी बहुत कसर है ना करेलों में वो पूरी हो जाए। मिक्स कर दें। अब गैस को स्लो कर इसको ढककर पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक, लेकिन बीच में एक दो बार चला देंगे। 10 मिनट तक हमने इसे ढककर पका लिया है और 2 बारी बीच में चला दिया था। देखिए, करेले तो हमारे पहले से ही काफ़ी हद तक पके हुए थे, अब तो और भी अच्छे से तल चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल रही हूँ अमचूर पाउडर,
और 1 टेबलस्पून डाल देंगे सौंफ दरदरी करी हुई। इसको मैंने मिक्सी में ही थोड़ा दरदरा कूटा है 1 टेबलस्पून सौंफ को, और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज गैस पर 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। बनकर तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे। एक बार इस तरीके से करेले प्याज की सब्जी को जरूर ट्राई करें, ये खाने में टेस्टी भी लगेगी और बड़ों को क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसको सफर में भी ले जा सकते हैं। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।